इस बार होली पर समृद्धि और उन्नति का संकेत, रंगों और खुशियों का त्यौहार। 4 शुभ योगों में मनेगी होली। इस बार होली का दहन के दिन सर्वात सिद्धि योग, रवि योग, गण योग, उदातित योग का संयोग बन रहा है। हिंदू धर्म में होली का बहुत ही खास महत्व है। यह पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। होली का पर्व हंसी ठिठोली और आपसी मतभेद को भूलकर मनाया जाता है। होली का यह पर्व 25 मार्च को होने जा रहा है। उसके पूर्व 24 मार्च के दिन होलिका का दहन होगा। हमारे संपूर्ण देश में और समस्त हिंदू धर्म को मानने वाले सनातन धर्मावलंबी जो हैं, वह पूर्ण जोश के साथ और तन्मयता के साथ होली का यह जो रंग बिरंगा त्यौहार है, इस त्यौहार को मनाते हैं। इस त्यौहार को मनाने से आपसी प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और उसके साथ सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एक बात। दूसरी बात, कुछ स्थानों पर चंद्र ग्रहण की चर्चा भी हुई है, तो भारत में होली के दिन किसी प्रकार का कोई चंद्र ग्रहण नहीं है और यह जो चंद्र ग्रहण है दृश्य पर्व है, जहाँ दिखाई देता है वहीं मान्य है, तो भारत में इस प्रकार का कोई चंद्र ग्रहण होली के दिन पड़ने नहीं जा रहा है। होली के 8 दिन पूर्व होलाष्टक लगता है। होलाष्टक में ऐसी मान्यता है कि मांगलिक कर्म जो है वो नहीं किए जाते हैं, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ इत्यादि कर्म, प्रतिष्ठा इत्यादि कर्म होलाष्टक में नहीं किए जाते हैं, ऐसी मान्यता है। पर शास्त्रों के अनुसार पंजाब का क्षेत्र, यहाँ सतलज, चिनाब इत्यादि जो 5 नदियां हैं, उस 5 नदियों से घिरे हुए क्षेत्र में ही होलाष्टक मान्य रहता है। बाकी देश के अन्य क्षेत्रों में होलाष्टक की कोई मान्यता नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। और यदि होलाष्टक को लोग मानते भी हैं तो जो घरेलू कार्यों के जो सामान वगैरह रहते हैं, नित्य के जो कार्य के जो सामान वगैरह रहते हैं, इनको खरीदने इत्यादि में किसी प्रकार का दोष नहीं रहता है, इन सब कार्यों को किया जा सकता है। 24 मार्च के दिन प्रातःकाल 9:56 से रात को 11:12 तक भद्रा रहेगी। भद्रा जब पृथ्वी लोक में रहती है तो उसको शुभ नहीं माना गया है और भद्रा में विशेष रूप से होलिका दहन को भी वर्जित कहा गया है। भद्रा में होलिका का दहन नहीं करना चाहिए, इसलिए रात को 11:12 के बाद जब भद्रा समाप्त हो जाएगी तब 24 मार्च को होलिका का दहन करना शुभ रहेगा। होलिका जो है, भद्रा जो है, उसको सूर्य की पुत्री माना गया है। सूर्य की पुत्री है भद्रा और शनि की बहन है और वह अत्यंत क्रोधी स्वभाव की मानी गई है, इसलिए भद्रा से लोग बचते हैं और भद्रा का समय निकल जाने के पश्चात रात्रि में होलिका का दहन हमको करना चाहिए। 24 मार्च की सायंकाल भद्रा का समय समाप्त हो जाने के पश्चात होलिका का पूजन करें। पूजन की थाली में रोली, हल्दी, चावल, कुसुम, जनेऊ, जो भी पूजन का साहित्य रहता है वो लेकर के जहाँ होलिका स्थापित है वहाँ जाकर के हमको पूजन करना चाहिए, नारियल भेंट करना चाहिए, एक नारियल वहाँ छोड़ना भी चाहिए, होलिका का हमको परिक्रमा लगाना चाहिए और होलिका दहन के पश्चात भी होलिका का पूजन करें, परिक्रमा लगाना चाहिए। उस होलिका की जलती हुई अग्नि में हमारे सारे दुख, संकट, समस्याएं, नकारात्मक ऊर्जा और बाहरी किसी भी प्रकार की जो विपदा है वह होलिका का परिक्रमा लगाने से वे समस्त विपदाएं, आपत्ति, विपत्ति, संकट दूर होते हैं, ऐसा होलिका का विधान कहा गया है। और तत्पश्चात दूसरे दिन फिर लोगों को रंग, गुलाल इत्यादि के साथ इस त्यौहार को पूर्ण उत्साह के साथ मनाना चाहिए। 24 तारीख को होलिका का दहन रहेगा और 25 तारीख को होलिका का रंग का त्यौहार मनाया जाएगा। 24 तारीख के दिन व्रत की पूर्णिमा है और 25 तारीख के दिन स्नान दान की पूर्णिमा, दोनों दिन पूर्णिमा रहेगी। पूर्णिमा के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग है, उदादित योग है, सुनफा योग पड़ रहे हैं, ये 4 प्रकार के योग पड़ रहे हैं। इन 4 प्रकार के योग होलिका दहन और होलिका के दिन पड़ने के कारण पूरे देश में सुख, समृद्धि, उन्नति के संकेत हमको दिखाई दे रहे हैं और देशवासियों के लिए
सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह शुभ का संकेत है।